हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है जति रतनालु। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2.5 घंटे की है और ये आपको तेलुगु लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिलती है थिएटर्स में। ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है। मूवी की कहानी फोकस करती है तीन दोस्तों पर, श्रीकांत, शेखर, रवि। तीनों में बॉन्डिंग बहुत ही गजब की है, ऐसी बॉन्डिंग जिसे देखकर आपको आपके दोस्तों की याद आ जाएगी। तीनों अपने टाउन में एकदम मस्त है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब श्रीकांत डिसाइड करता है हैदराबाद जाने का, और उसको लटक के शेखर और रवि भी हैदराबाद चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है या उस चीज़ में ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब वो क्या है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो ये आउट एंड आउट एक कॉमेडी मूवी है। मुझे लगा था कि यार स्टार्टिंग में हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद एंड तक यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिलेगा, बट मैं टोटली रॉन्ग था। ये पूरी की पूरी मूवी एक ऐसी हिलेरियस राइड पर आपको लेके जाएगी जिस पर से आपको उतरने का मन नहीं करेगा। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि आप लोग बस इंजॉय करोगे उनको देखकर। और जो डायलॉग है इस मूवी के, यार मैं बहुत दिल से चाह रहा था कि ये मूवी हिंदी में रिलीज होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर आज कह दूँ, यार मार्क कर लो मेरे वर्ड को, कि भाई जिस दिन ये मूवी हिंदी डब में रिलीज होगी ना, इतने व्यूज आएंगे ना यूट्यूब पे कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये वन ऑफ दी बेस्ट नवीन पॉली शेट्टी की मूवी होने वाली है उनके करियर की। उसके बाद मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो एकदम परफेक्ट है, जिस तरीके से एक हिलेरियस मूवी को होना चाहिए। BGM भी मुझे बहुत ही गजब का लगा, एकदम बैलेंस कर रहा था वो हर एक सीन को। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यार नवीन पॉली शेट्टी की मैं ये दूसरी मूवी देख रहा हूँ आफ्टर एजेंट साई श्रीनिवास, और वो एक ऐसे टैलेंट में से एक है जिनको बॉलीवुड में भी एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो वाकई में एक डिजर्विंग बंदा है। उसके अलावा प्रियदर्शी की बात करो तो उनकी मैंने एक तेलुगु मूवी देखी थी रिसेंटली, मेल चैप्टर ऑन आई थिंक, उसमें जो उन्होंने रोल निभाया था और इस पर्टिकुलर मूवी में जो उन्होंने रोल निभाया है, इतना अपोजिट। और ये उन एक्टर्स में से है कि जिनको ऑडियंस खुद चाहती है कि ये स्क्रीन पर आए और कुछ बोले, क्योंकि इनका डायलॉग बोलने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और ये हमेशा आपको शॉक्ड करेंगे आपके परफॉर्मेंस। और इस मूवी में भी आपको अलग ही लगेंगे, हटके लगेंगे और इंटरेस्टिंग लगेंगे। और अगर राहुल रामाकृष्णन की बात करो तो उन्होंने भी अपने रोल को अच्छी तरह से निभाया, बहुत अच्छी तरह से निभाया। उसके अलावा मूवी में हमें सलीम फेकू भी नज़र आते हैं, वो आपने हैदराबादी कॉमेडीज़ देखे होंगे ना, तो उसमें सलीम फेकू को तो आपने देखा ही होगा, तो ये मूवी में भी वो नज़र आते हैं। और उनका जो हैदराबादी बोलने का तरीका है यार, वो बहुत गजब का लगा। उसके अलावा मूवी में हमें ब्रह्मानंद सर जज के रोल में नज़र आते हैं, और ये उन एक्ट्रेस में जाएगी जिनको देखते ही हंसी छोड़ जाती है, देखना तो छोड़ो उनके बारे में सोचकर ही हंसी निकल जाती है। और यहाँ पर वो जज का रोल निभा रहे, तुम बिलीव कर सकते हो कि वो सीन कैसा होगा। और सीरियसली पूरी मूवी में जो कोर्ट रूम ड्रामा है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा यहाँ पर वैनिला किशोर भी हमें नज़र आते हैं, जो कि उन्होंने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। खैर मूवी की अगर नेगेटिविटी की बात करें तो देखो मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा, बड़ी एंटरटेनिंग मूवी लगी जो मैं एंटरटेन हुआ। और पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यस, ये आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, इसमें कुछ भी एडल्ट सीन नहीं है। मैं इस मूवी की रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दें बाय।